एंड वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको सेक्शन 37 से शुरू कर रहा हूं, डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा क्या है, कौन से न्यायालय जो है डिग्री पारित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला बताया गया है कि डिग्री अगर अपीलीय अधिकारिता वाले न्यायालय ने पारित की है तो प्रथम बार का न्यायालय। अब देखो, मान लो कोई बात जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां संस्थित किया गया है और उसने यहां पर डिग्री पारित कर दी, डिग्री के अगेंस्ट जो है अपील की गई और अपील न्यायालय ने डिग्री को सेटिस्फाइड कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की गई और हाई कोर्ट ने डिग्री भी पारित कर दी, यानी कि लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। तो अब इस डिग्री का निष्पादन यहां कौन सा न्यायालय करेगा, तो प्रथम बार का न्यायालय। प्रथम बार का न्यायालय कौन सा है? सिविल जज जूनियर डिवीजन। ऐसा भी हो सकता है कि लोअर कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया, डिग्री पारित नहीं की, उसके अगेंस्ट हम अपील में गए और यहां डिग्री पारित कर दी गई। ठीक है जी, तो डिग्री पारित कर दी, इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की, तो प्रथम बार का न्यायालय कौन है? डिग्री का निष्पादन कौन करेगा? एग्जीक्यूशन कौन करेगा? डिग्री का निष्पादन प्रथम बार का न्यायालय करेगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन। दूसरी बात बताएगी इसमें कि डिग्री पारित करने वाला न्यायालय कौन होगा। डिग्री पारित करने वाला न्यायालय या डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय अब अस्तित्व में नहीं रहा, आज विद्यमान नहीं है, उसकी जगह कोई और जो है कोर्ट आ चुकी है, तो वहां डिग्री उस न्यायालय द्वारा की पारित एग्जीक्यूट की जाएगी जिस न्यायालय में, अगर आज हम सूट फाइल करते हो तो इस न्यायालय में सूट फाइल होता। मान लो पहले मुनसिफ के न्यायालय थे, मुनसिफ के न्यायालय होते थे पहले, न्यायालय, इस न्यायालय ने डिग्री पारित की थी। अब वर्तमान में और फिर इसकी डिग्री होती रही, मान लो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आई, डिग्री पारित हो गई और आज वर्तमान में मुनसिफ कोर्ट अवस्थित में नहीं है, आज सिविल जज जूनियर डिवीजन अवस्थित में है। अगर ये बात हमने 1970 में यहां फाइल किया था मुनसिफ कोर्ट में और आज अगर वही दावा हम फाइल करें तो कहां करेंगे? सिविल जज जूनियर डिवीजन केस में, इसी को अधिकारता है। तो डिग्री का निष्पादन भी कौन सा न्यायालय करेगा? जो मुनसिफ कोर्ट ने पारित की थी या उसने मान लो वाद खारिज कर दिया था, उसके अगेंस्ट हम जाते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री पारित की, उसका एग्जीक्यूशन कौन सा न्यायालय करेगा? सिविल जज जूनियर डिवीजन। ये है डिग्री पारित करने वाले की परिभाषा। अब आता है धारा 38 में कहा गया है कि वह न्यायालय जिसके द्वारा डिग्री पारित की गई है या निष्पादित उसके द्वारा निष्पादित की जाएगी। देखो भाई, धारा 38 में जो है दो चीजें बताई गई है, डिग्री या तो जिस न्यायालय ने मानो सिविल जज सीनियर डीजी ने पारित की तो उसके द्वारा ही एग्जीक्यूशन किया जाएगा उसका, या यह जो है जिसको अंतरित की गई है, मान लो ये सहारनपुर का न्यायालय है सिविल जज यूनिट, इसने पारित की थी, अब जो है यहां मेरठ के न्यायालय में ट्रांसफर की जानी, क्योंकि प्रतिवादी यहां निवास करता है, कारोबार करता है, विलाग के लिए स्वेच्छा से काम करता है मेरठ के न्यायालय में, तो सिविल जज सीनियर डीजी से यहां अगर डिग्री होल्डर आवेदन करे तो यहां मेरठ के सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन द्वारा इस प्रकार से यह एग्जीक्यूट की जा सकती है। यानी कि डिग्री का निष्पादन कौन कर सकता है? यह तो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय या जिसको अंतरित की गई वो कर सकता है। यह धारा 38 में बताया गया है कि
डिग्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है उसका निष्पादन कर सकेगा। ठीक है जी, अंतरण के बारे में बताया गया है 39 में कि डिग्री का अंतरण क्या आ सकता है, ट्रांसफर क्या आ सकता है, किस प्रकार ट्रांसफर किया जाएगा, क्यों ट्रांसफर किया जाएगा, इसके बारे में भी यहां पर बखूबी रूप से बताया गया है। अगर डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष डिग्री होल्डर आवेदन पत्र दे कि जी डिग्री जो है वहां निष्पादित होनी चाहिए, डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देगा कि जी डिग्री जो है यहां मेरठ के न्यायालय में निष्पादन के लिए भेजी जाए, क्योंकि वहां प्रतिवादी जो है यहां पर यानी प्रतिवादी जेडी जजमैन लेटर यहां उसकी संपत्ति है, निवास करता है, अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, या उसकी जो है या तो ये या उसकी अचल संपत्ति स्थित है जिसको कि डिग्री के निष्पादन में क्रूक किया सकता है, क्योंकि ये नहीं कर सकता जो डिग्री पारित करने वाला न्यायालय वो नहीं कर सकता, यहां पर उसको भेज दीजिए अंतरण कर दिया गया, वो जो है इस प्रकार से इसका संपत्ति स्थित है तो संपत्ति पर जो है डिग्री की पूर्ण रूप से तुष्टि हो जाएगी, इसीलिए वहां निष्पादन के लिए भेज दी जाती है, तो अंतरित कर दी जाती है। डिग्री का अंतरण इस प्रकार से होता है, या अधिकारता भाई डिग्री का निष्पादन जो है ये नहीं करा सकता न्यायालय क्योंकि ये क्रूक नहीं कर सकता, इसीलिए जो है यहाँ भेज सकता है, ये प्रावधान यहाँ किए गए हैं। मान लो सहारनपुर में कोई डिग्री पारित की गई और प्रतिवादी मुजफ्फरनगर में निवास करता है तो वहाँ पर ये तो जो सहारनपुर का न्यायालय है ये निष्पादन तो कर सकता है, लेकिन निष्पादन के पश्चात फिर वहाँ भेजी जाएगी क्रूक संपत्ति क्रूक करने के लिए, तो इसीलिए सुविधा की दृष्टि से डिग्री होल्डर जो है यहाँ एप्लीकेशन दे देता है जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है, और वो एप्लीकेशन में ये कहता है कि यहाँ पर डिग्री का निष्पादन नहीं हो पाएगा जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, अभिलाभ के लिए काम करता है या स्वेच्छा निवास करता है वहाँ पर भेज दी जाए, या वह उसकी अचल संपत्ति है और डिग्री की तुष्टि आसानी से हो सकती है, सेटिस्फेक्शन आसानी से हो सकता है, इसीलिए वहाँ अंतरण कर दिया जाए, तो 39 के अंतर्गत ये वह कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है उस कोर्ट को जहाँ की प्रतिवादी निवास करता है, अभिलाभ के लिए काम करता है या स्वेच्छा से काम करता है या जो है उसकी अचल संपत्ति है, और तीसरे डिग्री होल्डर दिखा होगा कि इसकी जो है आसानी से निष्पादन की तुष्टि हो सकती है, इसीलिए डिग्री की तुष्टि हो सकती है, इसीलिए वहां इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वह कोर्ट जो है इस प्रकार से ट्रांसफर कर देगा। ठीक है जी, 39 के अंतर्गत किसी अन्य राज्य के न्यायालय में ट्रांसफर के भेजी जा सके, मान लो उत्तराखंड भेजनी तो उत्तराखंड में जो भेजी जाएगी डिग्री ट्रांसफर की जाएगी वो सेक्शन 40 के अंतर्गत होती है। सेक्शन 41 में जो है निष्पादन कार्रवाई के परिणाम को प्रमाणित किया जाना। अब मान लो मेरठ में भेजी गई या मान लो हरिद्वार में भेजी जा रही जहां भी ट्रांसफर के लिए भेजी गई, अब ये न्यायालय जब डिग्री का निष्पादन कर देंगे तो उसको प्रमाणित करके उस न्यायालय को डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को उसको प्रमाणित करने के पश्चात प्रमाणित करके भेजना पड़ेगा, यह मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर सहारनपुर के न्यायालय ने डिग्री पारित कर दी और उसका अंतरण कर दिया सेक्शन 40 के अंतर्गत हरिद्वार में, तो हरिद्वार का वह न्यायालय जिसको डिग्री अंतरित की गई है वह डिग्री का निष्पादन करने के पश्चात उसको अनुप्रमाणित करके सर्टिफाइड करके इस न्यायालय सहारनपुर बड़े न्यायालय को भेजेगा, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये यहाँ पर करना आवश्यक होता है। ठीक है जी, उसके बाद और चीज़ जो है कुछ खास होनी है, यहाँ एक सेक्शन है 46 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 46 में जो है आज्ञा पत्र है, आज्ञा पत्र
सिविल जज सीनियर डिवीजन सहारनपुर ने कोई डिग्री पारित कर दी। ठीक है, डिग्री पास कर दी और इसने डिग्री होल्डर ने डीएच ने यहां पर निष्पादन इजराइल डाल ली, एविक्शन डाल ली और इसका निष्पादन कर दिया। निष्पादन एप्लीकेशन में अचल संपत्ति इमोबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है मेरठ में जीडी की, जिसको कि कुर्क करना है। अब ये न्यायालय सिविल जज सीनियर जज जो है उसको कुर्की का आदेश नहीं दे सकता, वह जो है उस न्यायालय को यानी कि मेरठ के सिविल जज सीनियर डिवीजन को यहां पर आज्ञा पत्र निकालेगा, प्रिसिप्ट निकालेगा कि जेडी की जो संपत्ति है वो प्रॉपर्टी है उसको अटैचमेंट कर दिया जाए, प्रूफ कर दिया जाए, अटैचमेंट कर लिया। ठीक है जी, अटैचमेंट करने के पश्चात डीएच क्या करेगा, यहां पर इसके ऑक्शन यानी कि सेल का आवेदन पत्र देगा, एप्लीकेशन देगा कि इस संपत्ति को बिकवाया गया और मेरी जो पूर्ति की जाए, यहां पर सेल का एप्लीकेशन देगा प्रॉपर्टी की और फिर ये जो है सेल करने के पश्चात उस न्यायालय को भेज देगा। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि ये प्रीसिप्ट या आज्ञा पत्र कितने दिन तक जो है यहां पर प्रभावी रहता है, क्योंकि ये न्यायालय मेरठ का न्यायालय इसके आज्ञा पत्र पर डिपेंड है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये आज्ञा पत्र केवल 2 मंथ तक ही प्रभावी रहता है। 2 मंथ के अंतर्गत ये कुर्की करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन डिग्री होल्डर ने जो है उस न्यायालय मेरठ न्यायालय में यहां पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इसके सेल की। अगर ये 2 महीने तक कुर्क नहीं की और ना ही सेल के लिए एप्लीकेशन दी गई तो ये आज्ञा पत्र ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। दोबारा से करेगा तो यहां पर आज्ञा पत्र दोबारा से लेना पड़ेगा इस कोर्ट ने, तभी कर सकता है अन्यथा नहीं कर सकता। तो आज्ञा पत्र की अवधि केवल 2 महीने की होती है, प्रीसिप्ट की अवधि केवल 2 महीने। ठीक है भाई, अब आता है बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन 47। इसके ऑब्जेक्शन जाते हैं, जब निष्पादन कार्रवाई न्यायालय में पेंडिंग होती है तो उस समय यहां पर ऑब्जेक्शन जाते हैं, क्योंकि अलग से अगर कोई डिग्री पारित कर देगी और वह निष्पादन उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है तो वहां पर उन पक्षकारों के मध्य या उन पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों के मध्य आधार के मध्य निष्पादन उन्मोचन या तुष्टि संबंधित कोई भी विवाद अगर है तो वह एग्जीक्यूटिंग कोर्ट द्वारा निपटाया जाएगा। अलग से वाद संस्थित नहीं कर सकते आप, यानी कि अलग से वाद की जो संस्थित करने की संभावनाएं हैं उसको जो है सेक्शन 47 जो पूर्ण रूप से समाप्त करता है। वो कहता है जो भी वाद के पक्षकारों में या उनके विधिक प्रतिनिधियों के मध्य कोई भी विवाद उत्पन्न होता है जो कि निष्पादन से उन्मोचन से या तुष्टि संबंधित है उसका निर्णय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी, अलग से और कोई बात नहीं हो सकती, अलग से दावा नहीं हो सकता। जो भी उनके मध्य विवाद पैदा होंगे उनका निर्णय यही करेगा। और इसमें यह भी देखेगा न्यायालय कि उन पक्षकारों का विधिक प्रतिनिधि कौन है या कौन नहीं है। विधिक प्रतिनिधि कोई कहता है कि मैं हूं या दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं हूं, तो वहां इस बात का निर्णय भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट करेगी बाहर से, यानी कि अलग से दावा करके उसको जो है डिग्री पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये बात जो है 47 में कही गई है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक किस्म से ये जो है सेक्शन 11 के पूरक है, यानी कि रेजुडिकेटा। रेजुडिकेटा में जो बात पहले निर्णित की जा चुकी है उस पर जो है दोबारा से विवाद नहीं होगा। तो यहां भी जो डिग्री न्यायालय ने विद्वान न्यायालय ने पास की है उस पर अगर कोई भी निष्पादन
कार्रवाई संबंधित, उन्मोचन या तुष्टि संबंधित कोई विवाद है, या कोई कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का एक पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है, इस बात का डिसीजन जो है एग्जीक्यूटिव कोर्ट करती है। अलग से कोई जो है वाद संस्थित करने की संभावना को पूर्ण रूप से समाप्त सेक्शन 47 करती है। इसीलिए सेक्शन 47 के ऑब्जेक्शन में बहुत लंबी कलम कतार लगी रहे और बहुत दिन में डिसाइड होते हैं, इतने दिन में दावा डिसाइड या इतने दिन में ही जो है सेक्शन 47 के ऑब्जेक्शन डिसाइड होंगे। न्यायालय क्योंकि पारंगत नहीं होते इन चीज़ों में, बहुत दिन में पारंगत होते हैं तो वहाँ पर उनको समय लगता है, उलझन पैदा होती है, तो इसीलिए ये बहुत लंबे टाइम में डिसाइड होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या निष्पादन न्यायालय डिग्री की पुनः परीक्षा कर सकता है? एग्जीक्यूटिव कोर्ट कैन इट गो बिहाइंड द डिग्री? क्या वह डिग्री की छानबीन कर सकता है? क्या वो डिग्री के गुण दोष को देख सकता है एग्जीक्यूटिव कोर्ट? तो इसका उत्तर जो है नहीं, वह डिग्री की छानबीन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव कोर्ट के समक्ष डिग्री आई है, क्योंकि एक वैध डिग्री अस्तित्व में है, उसी पर जो है उसको विचार करना होता है, उसके पीछे वह नहीं जा सकता कि किस परिस्थितियों में वह डिग्री पारित की गई, इस बात की छानबीन जो है एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं कर सकता। यही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने तोपनमल, कुंडोमल, गंगाराम के मामले में AIR 1960 में कही है। तोपनमल वसी कुंडोमल गंगाराम AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है डिग्री की छानबीन नहीं कर सकता। डिग्री जैसी उसके पास आई है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, वैसे ही वह उसका निष्पादन करेगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, चार ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं कि जिनमें कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है डिग्री की छानबीन कर सकता है। पहली है कि अगर मृत व्यक्ति के विरुद्ध डिग्री पारित की गई है और उसके विधिक प्रतिनिधि को पत्रावली पर सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया था, तो एक जो वैध डिग्री नहीं मानी जाती, तब जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट उसकी छानबीन कर सकता है। नंबर दो, डिग्री अगर अस्पष्ट है या संदिग्ध है जिसके एक से अधिक अर्थ लगते हैं, तो वहां भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो डिग्री की छानबीन कर सकता है। तीसरी चीज है कि अगर इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिग्री पारित की है तो वहां भी वह डिग्री की छानबीन कर सकता है। और चौथी चीज है, अगर एक ही प्रॉपर्टी संबंधित एक ही पक्षकारों में एक ही हक के लिए दो वाद अलग अलग न्यायालयों में या उसी न्यायालय में संस्थित किए गए और दो अलग अलग डिग्री पारित कर देगी, जो प्रथम डिग्री है उसका तो निष्पादन न्यायालय करेगा, सेकंड डिग्री तो जो पारित की गई उसी मामले के लिए वो तो निष्प्रभावी होती है, शून्य होती है। लेकिन जब डिग्री पहली डिग्री का ही निष्पादन न्यायालय करता है, तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो सेकंड डिग्री पारित की गई है उसकी छानबीन कर सकता है, ये यहां पर बताया गया है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि डिग्री विधि के परिवर्तन के कारण जो है निष्प्रभावी हो जाती है, लेकिन जब विधि में परिवर्तन कर दिया जाता है तो डिग्री पुनः निष्पादन योग्य हो जाती है। इसको कहते हैं गर्सन का सिद्धांत, जो कि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी होगा कि दुलारे लोध वर्सी थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कानपुर के मामले में, वही बात यहाँ भी लागू होती है। दुलारे लोध वर्सी थर्ड एडिशनल जज कानपुर का मामला है भाई ये आपका 1984 का। इसमें न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ एक डिग्री विधि में परिवर्तन के कारण निष्पादन योग्य नहीं रह गई है और पुनः विधि में परिवर्तन के कारण डिग्री निष्पादन योग्य हो गई है, वहां उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसमें जो गर्सन का सिद्धांत लागू हुआ और डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। तो गर्सन का सिद्धांत डिग्री पर भी लागू होता है, अगर विधि के परिवर्तन के कारण जो है वह निष्प्रभावी होगी और बाद में विधि में परिवर्तन कर दिया गया, फिर वो जो ग्रहण था वो हटा दिया गया, तो फिर डिग्री जो है दोबारा से उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। अब आता है क्या डिग्री सेक्शन 49 है अंतरण या अंतरिति, क्या डिग्री का अंतरण हो सकता है? हाँ, डिग्री का अंतरण हो सकता है, जिस प्रकार से संपत्ति का अंतरण होता है इसी प्रकार डिग्री का अंतरण भी होता है। लेकिन अंतरिति ट्रांसफरी, मान लो डिग्री पारित कर देगी ए के पक्ष में और बी के अगेंस्ट, बी के विरुद्ध,
क्या ए जो है इस डिग्री का इन्फर कर सकता है? तो यस कर सकता है, ये सी को ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज है, जिन साम्याओं को इक्विटीज को वहां बी जो है ए के अगेंस्ट यूज कर सकता था, उन्हीं साम्याओं को वह जो सी के विरुद्ध यूज कर सकता है। ये सेक्शन 49 कहती है डिग्री का हर अंतर्थी उसे उन साम्याओं के यदि कोई हो अधीन रहते धारण करेगा जिन्हें निर्णित ऋणी मूल डिग्री डिग्रीदार के विरुद्ध परिवर्तित करा सकता था। यानी कि ये निर्णित ऋणी मूल डिग्रीदार के विरुद्ध परिवर्तित करा सकता था। तो यहां जो है बी सी के विरुद्ध भी, क्योंकि इसने तो अधिकार इससे प्राप्त किए, जब इससे प्राप्त किए तो इसके विरुद्ध भी करा सके। अब आता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 में जो है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध भी क्या डिग्री का निष्पादन किया सकता है? देखो भाई, डिग्री जो है हमेशा दो प्रकार से एग्जीक्यूट होते हैं, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली और संपत्ति के विरुद्ध। व्यक्तिगत उसको निरोधित कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, और संपत्ति को कुरूप कर लिया जाए। यहां पर क्या विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध ये दोनों प्रकार से यूज कर सके? डीएच नहीं कर सकता, केवल विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध वही तक प्रयोग कर सकता है जहां की विधिक प्रतिनिधियों पर के पास उस मृतक की यानी कि निर्णित मृतक की संपत्ति उनके पास आई और उन्होंने सम्यक रूप से जो है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया। जैसे कि ए जेडी है जजमेंट डेटर, ठीक है जी, डीएच ने इसकी प्रॉपर्टी एक्स के विरुद्ध यहां पर निष्पादन का बिक्री और इसकी डेथ हो जाती है, उसके जेडी के जो विधिक प्रतिनिधि हैं वो तीन हैं भाई, इस संपत्ति से 1/3, 1/3 और 1/3 हिस्सा प्राप्त करेंगे। तो वहां पर जो इनके आत्मसंपत्ति आई और इन्होंने लीगली उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, मान लो इस संपत्ति पे जो है एक यूको बैंक का ऋण भी था, डेब्ट था, उस डेब्ट के अंतर्गत यूको बैंक ने उस संपत्ति को बेच दिया तो अलग हो गया डिस्पोज ऑफ भी संपत्ति। तो अगर इनने जो है लीगली डिस्पोज, तो यहां पर जितनी संपत्ति इनके हाथ में आई है वहां तक जो है डिग्री का निष्पादन कराया जा सकता है। सेक्शन 52 ये कहती है कि अगर इन्होंने जानबूझकर ये संपत्ति इसलिए बेच दी कि डीएच को जो है कुछ भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, तो वहां अगर इनके हाथ में आई है संपत्ति, इनके हाथ में संपत्ति आई मरने के बाद, तो जहां तक इनके हाथ में मरने के बाद आई इन्होंने संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया कहीं भी, तो वहां इनके विरुद्ध जो है यानी कि मान लो सी डी ई तीन व्यक्ति थे, तो सी डी ई के विरुद्ध जो है यहां पर व्यक्तिगत रूप से भी डिग्री का निष्पादन कराया जा सकता है। फिर सेक्शन उसमें नहीं, 50 में नहीं करी बात, 52 ये बात करी, अगर वह क्या नाम ये उसका सम्यक लेखा जोखा न दे और उन्हें जानबूझकर के हमारे विरुद्ध यह निष्पादन ना हो पावे, तो फिर व्यक्तिगत रूप से भी उनके विरुद्ध डिग्री पारित की जाती है और उनकी जो और संपत्तियां हैं उनसे वसूली की जा सकती है। ठीक है भाई, तो आज के लिए ही, कल से मैं 51 पढ़ाऊंगा, अभी निष्पादन जानने की शक्तियां क्या हैं उसके बारे में आपसे बताऊंगा, बहुत अच्छे में हैं, थोड़े टेक्निकल हैं। धन्यवाद।